हम सब की ज़िंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि ये एक एग्ज़ाम टाइम है, लगता है कि जो कुछ मुझे आता है ये टाइम है मुझे उस चीज़ को अप्लाई करने का। मैं जब आर्मी में था तो 3-4 ऐसे मौके आए जब किसी ऑपरेशन से पहले मैं अपने लोगों के साथ था, मुझे लगा कि जो इतने सालों की मैंने ट्रेनिंग ली है, इतनी टफ ट्रेनिंग ली है, यही एक मौका है, मुझे जो कुछ आता है सब कुछ इसमें इम्प्लीमेंट करना है और अपने लोगों की जान बचानी है। मैं जब बेस जंपिंग करता हूँ, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता हूँ, और या किसी विंग सूट फ्लाइट से पहले या कोई एक स्टूडेंट को ले जाने से पहले, मैं ज़रूर मेरे दिमाग में ये बात आती है कि मैंने जो सारी ट्रेनिंग ली है, सारा जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आज ही के दिन के लिए है और इसको मैंने पूरा अच्छे से अप्लाई करना है। पिछले कुछ दिनों से हमारे देश में जो ये COVID-19 की प्रॉब्लम है, मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो ऐसे सोचते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ऐसे वेंटिलेटर्स को 3D प्रिंट कर सकते हैं, हम ऐसे हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, हम ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं, हम ऐसे वॉलंटियर कर सकते हैं, गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कर रही, गवर्नमेंट को ऐसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे जिसके ये सारी बातें दिमाग में आती हैं। ये एक टाइम है जब आप वो सारी बातों को एक्चुअली ग्राउंड पर ला के और उसको शेयर कर सकते हो, और हो सकता है आपका आइडिया एक्चुअली गवर्नमेंट यूज़ कर सके और कोई मेडिकल फैसिलिटी उस चीज़ को यूज़ कर सके। एक आइडियाथॉन टू फाइट कोरोना करके हम ऑनलाइन हैकाथॉन है, इसमें लिंक नीचे रखा हुआ है। आप जिन जिन लोगों को लगता है कि मेरे पास आइडिया है, जिन जिन को लगता है कि मैं जिनके पास आइडिया है उनको हेल्प कर सकता हूँ, जिन जिन को लगता है कि ऐसे सॉल्यूशन करना चाहिए, जो भी आपके पास दिमाग में है वो सारी चीज़ आप ला के हमारे साथ शेयर कर सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। 27 to 29 ये हैकाथॉन होगा और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो इस समय का और आपके आइडियाज़ का इससे बढ़िया यूज़ नहीं हो सकता। सी यू देयर, बाय बाय।